हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम शेयर करने वाले आपके साथ 4 डिफरेंट स्टाइल रायता। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे लौकी की रायता। इसके लिए हमने यहाँ पे लौकी ले लिया। अब हम इसके छिलका निकाल कर इसे कद्दूकस कर लेंगे। और ये हमारा कद्दूकस हो गया है, तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। उसके लिए हमने अब पैन में कद्दूकस किए हुए अपने लौकी को डाल दिया है। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। हमें बस इसे 1 बॉयल देना है। 1 बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसको छलनी से छान लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इस लौकी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। लौकी ठंडा हो गया और सारा पानी निकल गया, तो अब हम इसमें गाढ़ी दही ऐड करेंगे और साथ ही अब हम इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बारीक कटी मिर्ची, बारीक कटे अदरक, थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। और ये हमारा लौकी का रायता बनकर तैयार है। तो अब हम इसे जीरा पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च के साथ गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे। लौकी के रायता तो आपने बहुत खाया होगा, मगर जो हमारा नेक्स्ट रायता है वो है टमाटर और प्याज की रायता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में यहाँ पे 1/2 बाउल दही लिया। अब हम इसमें बारीक कटे टमाटर, बारीक कटे हरी मिर्च, बारीक कटे प्याज, बारीक कटे धनिया पत्ता डालेंगे और साथ ही हम काला नमक, भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। ये इंस्टेंट रहता है, आप कभी भी बना सकते हैं। प्याज और टमाटर तो घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो ये कभी भी आप बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे जीरा पाउडर और लाल मिर्ची से गार्निश कर लेते हैं और ये लीजिए हमारा प्याज और टमाटर का रायता बनकर 2 मिनट के अंदर तैयार है। हमारा नेक्स्ट रायता है सेव बूंदिया का रायता। आपने बूंदी का रायता तो काफ़ी खाया होगा, तो एक बार सेव बूंदिया का भी रायता ज़रूर ट्राई करें, कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बाउल में गाढ़ी दही ले ली है। अब हम इसमें बारीक कटे प्याज, बारीक कटे हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, और लास्ट में हम इसमें ढेर सारा सेव बूंदिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम दही में मिक्स कर देंगे। सेव बूंदिया के रायता में प्याज डाल देने से ना ये और भी अच्छा टेस्ट आता है, तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये काफ़ी गाढ़ी नज़र आ रही है, तो हम इसमें 1 चम्मच दही का और ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा सेव बूंदिया का रायता बनकर तैयार है। तो हम इसको भी गार्निश कर लेते हैं। तो हम इसको जीरा पाउडर से गार्निश कर लेते हैं। ऊपर से हम वापस से सेव बूंदिया डालेंगे और थोड़ा सा केचप। तो ये लीजिए हमारा सेव बूंदिया का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप बार बार बनाओगे। और इसे बनाने में भी 2 मिनट से कम का टाइम लगा है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आज का हमारा जो लास्ट रायता का रेसिपी है वो भी लौकी का ही रायता रेसिपी है, मगर एक नए तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं
इसके लिए हमने यहाँ पे एक लौकी ले लिया है, छिलका निकाल लिया है और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो ये हमारा कद्दूकस हो गया है। तो अब हम इसको, जैसा कि हम इसको बॉयल करते हैं, तो इसको एक बॉयल करेंगे। तो हमने कद्दूकस किए हुए लौकी को एक बर्तन में डाल दिया और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे लगभग और इसको ढककर 1 बॉयल आने देंगे। 1 बॉयल आ गया है इसमें, तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसे छन्नी से छान कर सारा पानी निकाल लेंगे और लौकी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। लौकी हमारा ठंडा हो गया था, हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें गाढ़ी गाढ़ी दही डालेंगे और साथ ही अब हम इसमें बारीक कटे हरी मिर्च और लाल मिर्च फ्रेश डालेंगे। साथ ही हम इसमें बारीक कटे बिल्कुल अदरक और अब हम इसमें भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें नमक डालना भूल गए थे, तो हम इसमें काला नमक अभी ऐड कर लेते हैं और इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें चौका लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच लगभग सरसों तेल लिया और अब हम इसमें राई डालकर इसे चटकने देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। और ये हमारा चौका तैयार हो चुका है, तो हम रायता में इसको डालकर अच्छी तरह रायता में मिक्स कर देंगे। ये तैयार हो चुका है हमारा रायता, तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा लौकी का रायता बनकर तैयार है, वो भी एक नए स्टाइल में। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 4 डिफरेंट स्टाइल रायता। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते और शेयर करते। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।